वीडियो में हम चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन की एग्जांपल्स एग्जांपल 5.4 और एग्जांपल 5.5 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं एग्जांपल 5.4। इस क्वेश्चन में बैट्समैन बॉल को बिल्कुल बॉलर की डायरेक्शन में वापस हिट कर देता है विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। तो बस जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, और ये वैल्यू हमें गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड कि बॉलर जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल थ्रो करता है और बैट्समैन उसको वापस उसी डायरेक्शन में बॉलर की तरफ हिट कर देता है सेम स्पीड से। यहाँ हमें बॉल का मास गिवन है 0.15 किलोग्राम और हमें डिटरमाइन करना है इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो यहाँ हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है और ये अज्यूम करना है कि जो बॉल की मोशन है वो लीनियर मोशन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी 12 मीटर पर सेकेंड ही गिवन है लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इसको -12 मीटर पर सेकेंड लिख लिया है। मास ऑफ द बॉल हमें गिवन है 0.15 किलोग्राम। अब हमें इम्पल्स फाइंड करना है बच्चों, तो हम इम्पल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है ना मोमेंटम का फॉर्मूला। तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एम हमने कॉमन ले लिया, वी और यू की वैल्यूज रख दी यहाँ पर। तो वी और यू की वैल्यूज रखने के बाद ये हमें मिल जाता है -24। -24 की मल्टीप्लाई कर दी 0.15 में तो इम्पल्स की वैल्यू आ जाती है -3.6 न्यूटन सेकेंड। बच्चों ये नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, जो कि जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? बैट्समैन टू बॉलर, इसलिए इम्पल्स की डायरेक्शन भी वही हो गई बैट्समैन टू बॉलर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 5.5। इस एग्जाम्पल में बच्चों हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर दो केसेस दिए हुए हैं, केस ए और केस बी। ये है रिजिड बॉल और रिजिड बॉल को टू बिलियर्ड्स बॉल जो है वो हिट कर रही हैं। केस ए में इस तरीके से हिट कर रही है कि वापस अपने उसी पाथ पर चले जाती है वो विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। यू वेलोसिटी से ये बॉल से टकराती है और फिर इसी वेलोसिटी से वो वापस चली जाती है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ केस बी में बच्चों बॉल जो है वो ऑब्लिकली वॉल से टकराती है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो वॉल से टकराती है और फिर इस तरह से इस पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है फिर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। यहाँ पर भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, यू वेलोसिटी से ही स्ट्राइक होती है और उसी से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। बस क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। बच्चों अब पार्ट फर्स्ट में हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। तो हमको वॉल पर फोर्स की डायरेक्शन बतानी है इस बॉल की वजह से, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हमें बताना है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्सिस इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल। सेकेंड में हमें इम्पल्सिस का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है फोर्स और सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ इम्पल्सिस। तो हम पहले इम्पल्सिस के वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, उससे ही हम फोर्स की डायरेक्शन भी देख पाएंगे और हम रेशो भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम ए पार्ट के लिए चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं बिकॉज वी नो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों इसका मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए एक बार हम देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और एक बार अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ वाई एक्सिस पर तो कोई मोशन है ही नहीं, तो वाई एक्सिस पर कोई मोमेंटम में भी चेंज नहीं लिया जाएगा, जीरो चेंज आएगा, लेकिन
एक्स एक्सिस का मोमेंटम हम देखते हैं तो पहले हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ से हम देखें डायग्राम से बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस ये वेलोसिटी हो गई यू। फाइनल वेलोसिटी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या हो जाएगी माइनस यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस यू माइनस यू, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ गई माइनस टू यू। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, चेंज इन वेलोसिटी हमने ली है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए ये माइनस यू और माइनस यू ये हो जाते हैं माइनस टू यू। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वेलोसिटी में मास से मल्टीप्लाई करके। तो हमने यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी में मास की मल्टीप्लाई कर दी, तो चेंज इन मोमेंटम हमें मिल गया माइनस टू एम यू। तो केस ए के लिए जो चेंज इन मोमेंटम है वो है माइनस टू एम यू, इसको हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर वन। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई मोमेंटम है ही नहीं तो जीरो आ गया। अब हम देखते हैं केस बी में। केस बी में बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें दोनों डायरेक्शंस लेनी होंगी, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, क्योंकि जो बॉल है वो वॉल को ऑब्लिकली हिट कर रही है। तो अब हम यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं वेलोसिटी में चेंज, फिर वाई एक्सिस के अलोंग। बॉल ने ऐसे वॉल को हिट किया इस तरीके से, तो हमने इसको आगे तक ड्रॉ कर लिया है इस वेक्टर को, और फिर इसके कंपोनेंट्स ले लिए हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ ये एंगल 30 है इसलिए ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट 30 डिग्री का हो गया, और एंगल की साइड हम क्या लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये कॉस 30 डिग्री आ गया। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, ये इस वेक्टर के लिए आ गया। इस तरीके से हिट किया है उसी को हमने यहाँ पर ये इमेजिन कर लिया, टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब देखते हैं बच्चों जो रिफ्लेक्ट होके गई है ये बॉल, इसकी वेलोसिटी के लिए कंपोनेंट्स। तो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट यू कॉस 30 और ये अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट, तो थीटा की साइड कॉस में वैल्यू आ गई और इधर साइन में वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। यहाँ तो हमने पहले क्या किया है एक्स और वाई एक्सिस में कंपोनेंट्स लिख लिए हैं, तो बच्चों अब हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। उसके लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी में चेंज है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर ये है u cos 30 और ये x एक्सिस के अपोजिट माइनस x डायरेक्शन में, इसलिए ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। इनिशियली ये कंपोनेंट इधर है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस में माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सेम जैसे हमने इस केस में किया था। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो माइनस u cos 30 माइनस u cos 30, तो ये यहाँ पर माइनस टू यू कॉस 30 आ गया। जैसे यहाँ माइनस टू यू आया था ना, ऐसे ही माइनस टू यू कॉस 30 आ गया। ये यहाँ पर हम कॉस 30 की वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट 3/2, तो इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी जो है अलोंग एक्स एक्सिस वो आ गई माइनस रूट 3u। अब हम इससे चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग मास। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस आ गया माइनस अंडर रूट 3 mu, ठीक है। अब हम देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और फिर हम इससे चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं बच्चों कि चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है वाई एक्सिस के अलोंग जो कॉम्पोनेंट्स हैं। जब बॉल हिट कर रही है वॉल को उस टाइम पर भी ये माइनस वाई एक्सिस में है कंपोनेंट, और जिस टाइम पर बॉल रिफ्लेक्ट हुई तब भी माइनस वाई एक्सिस पर ही है इसका कंपोनेंट। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, इसलिए जब हम इनका चेंज लेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसको, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस ये पहले नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो हमने माइनस यू साइन 30 ले ली वैल्यू, और फिर माइनस
यहाँ पर फिर भी ये अलोंग माइनस वाई एक्सिस है, तो माइनस यू साइन 30 अगेन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होता है ना चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल भी नेगेटिव वाई एक्सिस में है और इनिशियल भी नेगेटिव वाई एक्सिस में है, इसलिए जो इनका डिफरेंस है बच्चों वो आ जाता है ज़ीरो। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंटम है वो क्या आ गया, ज़ीरो। जब हमने इसमें मास की मल्टीप्लाई की तो भी ज़ीरो ही मिला हमें, तो चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस ज़ीरो है। तो जो नेट चेंज हुआ मोमेंटम में वो कितना हुआ, रूट थ्री एम यू, बस यही वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ गई। हमने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए हैं दोनों के लिए। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, और कौन से फोर्स की डायरेक्शन बतानी है हमें, फोर्स बाय द बॉल ऑन द वॉल। बॉल जो फोर्स रिजिड वॉल जो है उस पर लगा रही है, वो डायरेक्शन हमें बतानी है। तो अब हम ये फिगर से भी देख सकते हैं इजीली कि बॉल इस तरीके से हिट कर रही है यहाँ वॉल को, तो उसने फोर्स इस डायरेक्शन पर ही तो लगाया है, मतलब जो फोर्स लग रही है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग रही है वॉल पर। तो हम यही लिख देंगे यहाँ पर कि फिगर से हमने ये देख लिया कि बॉल जो है वो वॉल पर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वॉल पर वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब केस बी के लिए देखते हैं बच्चों। अब केस बी में भी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, मतलब जो नेट वेलोसिटी हम ले रहे हैं वो हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही आ रही है, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वो वाई एक्सिस में तो है ही नहीं, इसलिए जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो इसी तरफ आ गई। तो यही डायरेक्शन फोर्स की हो गई जो वॉल बॉल पे लगा रही है, इसलिए बॉल जो वॉल पे फोर्स लगाएगी वो फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही होगी। तो सेम आ जाएगी फोर्स जो हमारे पास केस ए में थी, वही फोर्स यहाँ पर बी केस में भी आएगी सेम डायरेक्शन में। तो दोनों ही केसेस में हमने फोर्स की डायरेक्शन देख ली अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हमें यहाँ पर रेशो कैलकुलेट करना है इम्पल्स का। तो अब इम्पल्स का रेशो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इम्पल्स और फाइंड कर लेते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम केस ए में ये हमने इक्वेशन वन से लिख लिया कि माइनस टू एम यू कैलकुलेट किया था ना ये हमने केस ए में, चेंज इन मोमेंटम ये यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, ये चेंज इन मोमेंटम हमने इक्वेशन वन में माइनस टू एम यू कैलकुलेट किया था। और फिर केस बी में हमने जो मोमेंटम कैलकुलेट किया है वो है माइनस अंडर रूट थ्री एम यू फ्रॉम इक्वेशन टू। तो ये यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन टू से वैल्यू आ गई इन केस बी। तो हमने इनको आई ए इम्पल्स फॉर केस ए, इम्पल्स फॉर केस बी, उसको हमने आई बी इस तरह से लिख लिया है। अब हम इन्हें डिवाइड कर देंगे रेशो फाइंड करने। फाइंड द रेशो फॉर बोथ द केसेस, फॉर केस ए एंड केस बी, हमने यहाँ पर दोनों केसेस में इम्पल्स की वैल्यूज रख दी हैं और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एम यू से एम यू कैंसिल हो गया, तो हमें जो वैल्यू मिल जाती है टू अपॉन अंडर रूट थ्री ये मिल जाती है। तो ये आ गया रेशियो, अंडर रूट थ्री की वैल्यू हमने रख दी 1.732 और इससे टू को डिवाइड किया तो हमें मिलता है 1.15। तो आई ए अपॉन आई बी, इम्पल्स इन केस ए एंड इम्पल्स इन केस बी, इनका जो रेशियो है बच्चों वो हमें मिल जाता है 1.15, या फिर हम लिख सकते हैं कि रेशियो इज 2:√3, ये आंसर आ जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर भी आपके इसमें कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।